फाती मतवालों को ट्रेन रोकना महंगा पड़ गया। मरियम नवाज की कोट लखपत जेल आमद पर ट्रेन का पहिया जैम करने की कोशिश करने वाले यूसी चेयरमैन राय लियाकत, लीगी रहनुमा शफकत पांडा और मोहम्मद नदीम गिरफ्तार। पुलिस को मजीद दो दर्जन कारकुनों की तलाश। पुलिस सीसीटीवी और टीवी फुटेज से मदद ले रही है। ख्वाजा इमरान नज़ीर कारकुनों की गिरफ्तारी पर हकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं कहने को जमहूरी दौर है लेकिन आमरियत मुसलत है। चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल करके बेगुनाह कारकुनों को गिरफ्तार और तशद्दुद भी किया गया। कैदी नंबर 4470 कोट लखपत जेल में कैद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का मामूल का मेडिकल चेकअप। डॉक्टरों ने ईसीजी, ब्लड प्रेशर, शुगर समेत दीगर टेस्ट किए। नवाज शरीफ गुर्दों के पुराने मरीज, जब राजी हो जाएंगे तो अस्पताल में इलाज शुरू होगा। वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीगी सियासी तौर पर जिंदा रहने के लिए एहतजाजी सियासत कर रहे हैं। सूबा पंजाब के अब बदलेंगे हालात। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वज़ीर आला ने नई हिकमत अमली बना ली। उस्मान बुज़दार का सूबे के अज़ला का अचानक दौरों का फैसला। वज़ीरा की टीम को भी फ़ाल बनाएंगे। परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के इकदामात की खुद मॉनिटरिंग करेंगे। आज पाकिस्तान की तरफ कोई मैली आंख से नहीं देख सकता। इस्लाम अमन का दीन है, मोहब्बत और इंसाफ के जोर पर फैला है। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का जौहर टाउन में जामतुल खैर की सालाना तकरीब तकसीम इनामात से खताब। कुरान पाक मुकम्मल करने वाले 30 से ज्यादा तलबा को असनाद से नवाजा गया। दफ्तरी अमूर में मसाइल काम का बोझ। 7 साल बाद लाहौर की एक और तहसील बनाने का फैसला। नई तहसील का नाम न्याज बेग होगा। दरियाई एरिया रायवंड और इकबाल टाउन के इलाके शामिल किए जाएंगे। न्याज बेग तहसील बनने के बाद तहसीलों की तादाद 6 हो जाएगी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को समरी इरसाल। नई तहसील बनाने की हतमी मंजूरी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब से मशरूत होगी। मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड में शफाफ भर्तियां, नई अथॉरिटी बना दी गई। 1-5 ग्रेड की भर्ती सेक्रेटरी बोर्ड करेंगे। ग्रेड 6 से 16 तक की भर्तियों का इख्तियार चेयरमैन बोर्ड के पास होगा। ग्रेड 17 और इससे ऊपर तमाम ग्रेड की भर्ती के इख्तियार वफाकी हुकूमत के पास होंगे। वजारत मौसमी अमूर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अढ़ाई माह गुजर गए, सगियां रावी पुल का मुरम्मती काम अधूरा। ट्रैफिक जैम रहना मामूल, शहरी घंटों रास्ते में फंसे लगे। मुरम्मती काम जल्द मुकम्मल करने की अपील। मेट्रो स्टेशन बत्ती चौक के करीब चिंगची रिक्शा सवार की दिन दहाड़े राहगीरों पर अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से एक राहगीर जहां बहक, 2 जख्मी। मुलजिम गोलियां चलाता और रिक्शा भगाता फरार हो गया। जख्मी अकबर, ताज मोहम्मद और अख्तर को अस्पताल मुंतकिल किया गया। 26 साल अख्तर में अस्पताल में दम तोड़ गया। थाना रावी टाउन पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया। कोट लखपत में पसंद की शादी करने वाली खातून भाइयों के हाथों कत्ल। 30 साल उस्मा को भाइयों ने कुल्हाड़ियों के वार करके मौत के घाट उतार दिया। मकतूला को बचाते हुए इसकी 34 साल सोतर नौरीन जख्मी हुई, जनरल अस्पताल मुंतकिल। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम भाई अजहर और कासिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला उस्मा ने चंद रोज कबल साजिद से पसंद की शादी की थी। वालिदैन की गफलत, 2 बच्चे जान से गए। चूहे घर वाले मच्छर से बचाव की टिक्की लगाकर खुद हमसायों के घर महफिल में चले गए। पहले आग कालीन को लगी, फिर कमरे को लपेट में ले लिया। सोए हुए बच्चे सोते ही रह गए। 7 साल सुफियान, 9 साल अरसलान झुलस कर जाँ बहक। मामूली झगड़े पर 25 साल नौजवान को जिंदा जला दिया गया। रोही नाले के करीब 4 मुलजिमों ने दुकान में इशफाक पर तेल छिड़क कर आग लगा दी। इशफाक झुलस कर जाँ बहक। इशफाक का चंद रोज कबल पतंगबाजी से रोकने पर मुलजिमों से झगड़ा हुआ था।
खूनी खेल के शौकीन बाज ना आए, शहर में फिर पतंगबाजी। नश्तर कॉलोनी में पुलिस का खुफिया इत्तला पर घर पर छापा, 160 से जायद पतंगे और 90 बोतल शराब बरामद। दो मुलजिमान बासित और गौहर गिरफ्तार। फैसल टाउन पुलिस ने भी पतंगबाज उमर को गिरफ्तार कर लिया। हजारों पतंगे और दर्जनों चरखियां बरामद। इंसानी सेहत के दुश्मन मुसाफिरों की जिंदगियों से भी खेलने लगे। पंजाब फूड अथॉरिटी की मोटरवे पर फूड पॉइंट्स की चेकिंग। फ्राई चिक्स फास्ट फूड रेस्टोरेंट में कीड़े मकोड़े, नाकिस गोश्त पर सील। चिकन ब्रोस्ट रेस्टोरेंट की जायदुल मियाद कुकिंग ऑयल के इस्तेमाल पर ताले लग गए। मेजाब होटल भी बंद। शिकायत मिलने पर मोटरवे सर्विस एरिया की चेकिंग में इजाफा कर दिया गया। डीजी फूड अथॉरिटी। सब्जी मंडियां हो या आम बाजार, रेट नहीं रहते बरकरार। टमाटर की कीमत कम होते होते 74 रुपए पे आई है, लेकिन कहीं भी 80 से 85 रुपए फी किलो से कम नहीं मिल रहा। सब्ज मिर्च तो डबल सेंचुरी से ट्रिपल सेंचुरी की जानिब गामसन, 285 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। आलू के सरकारी नेफ 11, प्याज 28, बैंगन 42, गोभी 20, मटर 42 रुपए मुकर्रर है, लेकिन दुकानदार हर सब्जी का 2 से 5 रुपए जायद वसूल कर रहे हैं। अवाम महंगाई के घेरे में मुर्गी गोश्त को भी पर लग गए। कीमत मजीद 3 रुपए बढ़ गई। रेट 228 रुपए से बढ़कर 231 रुपए फी किलो हो गया। मटर और बीफ तो पहले ही महंगा, चिकन भी 5 से दूर। शहरी परेशान होकर रह गए। मिनहाजुल कुरान वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से मॉडल टाउन में इज्तमाई शादियों की तकरीब। 23 जोड़े रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। 2 लाख रुपए मालियत तक का जहेज का सामान दिया गया। दरवाजे खुल गए, आज फिर गवर्नर हाउस में शहरियों की बड़ी तादाद। सैर तफरी के लिए उमड़ आई, जी भर कर इंजॉय किया। बाहर के रंग, लाहौर कार्निवल के दूसरे रोज रौनकें और भी ज्यादा। म्यूजिकल कॉन्सर्ट समेत रंगारंग प्रोग्राम, खाबों के स्टॉल्स भी सजे। शहरियों की जॉक दर जॉक आमद। और कभी बादलों के डेरे तो कभी चमकती धूप। शहर का पल पल बदलता मौसम, रिमझिम भी हो सकती है। मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया।